फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा। तो इजी क्लासेस में आपका वेलकम है। हम इजी क्लासेस में वीडियोस छोटे बनाते हैं और कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं अगेन एक वीडियो बना करके उसको अपलोड कर दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। देखिए, जैसे हमने हमेशा शुरू क्लासेस में पढ़ा है कि काउंटिंग 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलती है, तो हम देखेंगे कि 0 से पहले -1, -2, -3, इसी तरीके से 0 के पहले भी काउंटिंग चलती है। तो 0 से लेके ये नंबर, हम इसको प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं कि मतलब इट्स एंडलेस, प्लस इन्फिनिटी। और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं कि ये एक नंबर लाइन है। तो 0 से इधर की तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 से इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जितने भी नंबर नंबर इस नंबर लाइन पर हैं, दीज आर ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में जब हमारे पास बच्चों को सम्स आते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है कहीं पर, तो उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। शुरू से ही हमने क्लास में पढ़ा है 8 - 2 = 6। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर के आगे अगर हमने प्लस लिख रखा है तो भी वही बात है, और अगर हम प्लस नहीं लिखेंगे तो भी वही बात है। जैसे हमने यहां पे देखा 8 - 2 = 6, अगर हम इसको लिखेंगे +8 - 2 तब भी ये 6 ही होगा। अब जब हम थोड़ी सी बड़ी क्लास में आते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आने लग जाते हैं, जैसे कि -4 + 2 या फिर -9 + 4। तो आज हम उनकी कैलकुलेशन देखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इसको कैलकुलेट करना है। जैसे -4 + 2, यहाँ 2 आया, और जिसका भी जो भी नंबर बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी डिजिट बड़ी है उसका साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर -4 जो है बड़ा डिजिट है, डिजिट मतलब ये डिजिट है, इधर 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 4 के आगे माइनस लगा है तो फाइनल आंसर में माइनस लगा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि ये -9, जो कि 9 हमारी बड़ी डिजिट है, उसके आगे माइनस लगाए तो फाइनल आंसर में -5 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इधर देखिए, यहां पर बड़ी डिजिट 8 है और छोटी डिजिट 2 है, तो फाइनल आंसर हमारा +6 आ गया है। इसको मैं प्लस यहां पर लिख दूं, लिखूं या ना लिखूं सेम ही बात होती है। अब देखें कि अगर हमारे इंटीजर्स सेम तरीके के हैं तो सेम तरीके में कुछ नहीं करना, हमने इनको एडिशन कर देना है और फाइनल आंसर में जो साइन है सेम साइन लगा देना है। जैसे इसमें +4 + 8 + 12 या फिर 4 + 8 = 12। ये देखिए, ये इंटीजर्स का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन समझाया है। इसमें हमारे को 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, 1, 2, 3, 4। अलग अलग को मैंने डिस्क्राइब करा है, जैसे ++ = फाइनल आंसर में प्लस आएगा। जैसे कि प्लस का नंबर को अगर हम प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो आंसर मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो तो हम कर ही लेंगे, 4 × 2 = 8, लेकिन जो हमें साइन लगाना है वो हम प्लस का लगाएंगे। -(-) + जैसे -3 × -8 = फाइनल आंसर 24 हुआ, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, लेकिन फाइनल आंसर में जो साइन लगाएंगे वो प्लस लगाएंगे। ऐसे इधर देखिए, -(+) = -, फाइनल आंसर में जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। -2 × +3 = -6, ऐसे +(+), फाइनल आंसर में माइनस आएगा। कुछ बच्चों को इंटीजर्स का जो मैंने तरीका समझाने का बताया है कैलकुलेशंस का, उनको थोड़ा नहीं समझ में आ पाता है, तो मैंने इंटीजर्स का एक नया ही फॉर्मूला बनाया है। ये सिर्फ एक रेफरेंस पर्पज के लिए है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमने उनको माना है कि वो इंडियंस हैं। इंडियंस आर पॉजिटिव मेंटालिटी पीपल, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उनको मैंने इंडियंस का नाम दे दिया है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे 0 से पहले के जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको मैंने दूसरी कंट्री के लोगों का नाम दे दिया, उनको मैंने नेगेटिव मेंटालिटी पीपल बोल दिया है। अब जब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमने पहले वाले फॉर्मूले में देखा था कि जो जिसका साइन बड़ा है उसको लिख देते हैं। यहां पर जिसका साइन बड़ा है मैंने उसको लिख दिया, सेम साइन है तो उसको लिख दिया, इधर भी सेम साइन है तो उसको लिख दिया। लेकिन कुछ बच्चे अगर इसको नहीं समझ पाते हैं या बार बार वो भूल जाते हैं, उनके लिए मैंने ऐसा करा है कि देखिए, इधर नेगेटिव मेंटेलिटी पीपल 4 जो है वो दूसरी कंट्री के हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज,
और जो दो हैं वो इंडिया के हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी पीपल। जब वॉर हुआ तो वॉर में ये दो और ये दो चले गए आपस में। अब हमारे पास जो दो बचे वो किसके बचे, देखिए कौन सी कंट्री के बचे, यहां पर नेगेटिव मेंटेलिटी के दो लोग बचे हमारे पास, तो हमने आंसर में दो लिखा और उसके आगे नेगेटिव मेंटेलिटी, क्योंकि नेगेटिव है उसका साइन लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास पॉजिटिव के थ्री हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी के तीन लोग या तीन सोल्जर्स बोल सकते हैं आप, नेगेटिव मेंटेलिटी दूसरी कंट्री के एक सोल्जर। तो इसमें जब वॉर हुआ दो वन वन न्यूट्रलाइज चले गए, जो हमारे पास दो बचे किसके बचे, पॉजिटिव कंट्री के यानी कि इंडिया के, और मैंने यहां पे +2 लिख दिया। अब देखिए ये अदर कंट्री के -4 सोल्जर्स, फिर ये अदर कंट्री के -3 सोल्जर्स। अब इन्होंने देखा भाई ये तो वॉर हो ही नहीं सकता, ये तो ये लोग आपस में मिल गए। आपस में मिलने के बाद में जो फाइनल आंसर आया -7 आया, क्योंकि नेगेटिव के 7 बचे, ये सारे नेगेटिव मेंटेलिटी के हैं तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव मेंटेलिटी इंडियंस के दो, फिर पॉजिटिव इंडियंस के दो, इन्होंने देखा वॉर में वॉर तो होगा ही नहीं, ये लोग आपस में मिल गए, फाइनल आंसर में +3 आया, मतलब पॉजिटिव मेंटेलिटी के प्लस प्लस थ्री इंडियंस, तो मैंने फाइनल आंसर में +3 लिख दिया है। दोस्तों ये नेगेटिव मेंटेलिटी पॉजिटिव मेंटेलिटी सिर्फ एक समझाने का जरिया है, नथिंग मोर देन दैट। जो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस तरीके समझाया था, इट्स अ बेटर वे, अगर ये बस सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तो दोस्तों मैंने जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि बड़े सिंपल वे में समझाया जाए, फिर भी अगर आपको मेरा वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप उसे दोबारा देखिए और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डालिए। अच्छा हम लोग इजी क्लासेस में किसी भी सब्जेक्ट के बहुत इजी वीडियोस बनाते हैं, साइंस है, फ्रेंच है, यहाँ एक पर्पज है कि बच्चों को बहुत आसानी से मैथ्स का सब्जेक्ट समझ में आ जाए। अगर आज हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हमारे को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बड़ी क्लासेस में भी हम मैथ्स को इजीली कर सकते हैं। इजी क्लासेस में आपके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छा बनाया जाएगा। थैंक्स।